सलमान का गेम आपको अच्छा लग रहा है, वो रश्मि के साथ भी आ रहे हैं और फिर खेसारी लाल के साथ? बंदा एक्चुअली वो फ्रैंक माइंड है, जो भी करता है अच्छा ही करता है और कोशिश कर रहा है कि वो आगे तक खेले और इंशाल्लाह ऊपर वाले ने चाहा तो जरूर खेलेगा। बाकी आपको क्या लगता है, रहान टारगेट करते हैं सिद्धार्थ को या फिर सिद्धार्थ टारगेट करता है रहान? यार वो टारगेट किसी को भी करे ना टारगेट उल्टा हो जाता है, खुद ही टारगेट बन जाता है। तो कहते नहीं शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया, तो ये बिग बॉस है बॉस और यहाँ का बिग बॉस भी सलमान भाई है, तो शिकार करने की कोशिश मत करो, कायदे में खेलो सही जाओगे। सच बोलें केसरी भी ठीक कर रहा है क्योंकि उसका जो लोगों के साथ बाउंडिंग है वो सबको लेके चलना चाहता है, मेरे हिसाब से अभी वो अच्छा है। बाकी रश्मि एंड जो भी हैं, मैसेज दे ही दूंगा भैया यूपी बिहार वालों के साथ अच्छे से खेलो आगे तक जाओगे, और सलमान भाई को कम परेशान करो क्योंकि वो ऑलरेडी इतना उनके ऊपर वो लोड है और उनको आप लोग इतना परेशान करोगे तो फिर अगर बंदा सनक गया ना तो ले डूबेगा सबको। दैट्स ऑल। तो सबसे पहले जानना चाहूंगी इस बार बिग बॉस आप कितना फॉलो कर रहे हैं? मैंने अभी तक एक भी एपिसोड मिस नहीं किया है, मैं इतना ज़्यादा फॉलो करता हूँ कि मैं बता नहीं सकता। आई लव बिग बॉस। तो इस बार आपको कौन सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है? मेरे को इस बार सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो लग रहा है वो रश्मि देसाई, और ये सी प्लेड वेरी वेल। मैं इनको बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ और मैं इन्हें वोट भी करता हूँ और ये बहुत ही अच्छा खेल रही हैं, तो मैं उनके लिए, वो वापस आए, एक बार आउट हुए वो मगर वो वापस आए, मुझे बहुत खुशी हुई और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेल रही हैं, तो मैं रश्मि के लिए कहना चाहूँगा रश्मि यू आर द विनर, यू आर विनिंग दिस बिग बॉस 13। ओके, अरहान और रश्मि की दोस्ती को कितना पसंद करते हैं? अरहान और एको वो काफ़ी अच्छे दोस्त हैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से, बाकी मैं अरहान को इतना ज़्यादा जानता ही, मगर हाँ रश्मि एक अच्छी फ्रेंड है, मैंने उनको देखा है तो इस तरह से उनकी दोस्ती के उनके किससे सुने हैं मैंने, काफ़ी अच्छे दोस्त हैं वो दोनों। पारस के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग बन रही है रश्मि का, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? अभी रश्मि सेफ भी हुई है पारस के कारण, दोस्ती के कारण। हाँ नहीं पारस का गेम भी बहुत अच्छा है, मगर मैं पारस के अकॉर्डिंग मुझे रश्मि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है, मेरी थिंकिंग है क्योंकि मैं रश्मि को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वो ये सीज़न वो ही जीतें। अगर ज़्यादा बार देखूंगा तो कभी कभी सिद्धार्थ शुक्ला वो लोगों को टारगेट भी करते हैं, वो किसी मतलब लड़की है या लड़का हो कोई भी है वो अपने टास्क के दौरान कभी भी पीछे नहीं हटते, टास्क हो या ना हो वो अपने उस पर अपना स्टैंड लेके खड़े ही रहते हैं कि भाई उन्हें लड़ना ही है। तो मैं मानता हूँ सिद्धार्थ शुक्ला थोड़े उनके अंदर अग्रेशन बहुत ज़्यादा है, मगर ठीक है वो उनका गेम है तो वो अपने हिसाब से खेल रहे हैं। सलमान खान जब आते हैं तो आपको क्या लगता है वो बायस होते हैं? लगता तो है मगर सलमान खान उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरे सबसे फेवरेट है। जैसा कि आपने बोला कि रश्मि आपको पसंद है, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं रश्मि आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ अपना गेम खेलें और दूसरों को किसी के भी साथ आप नहीं, आप अपना स्टैंड लें और आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और आप बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, तो आप अपना गेम स्ट्रॉन्ग आ रहा अभी तो मुझे लग रहा है कि ज़माना काफ़ी बदल गया है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी के सहारे की किसी के कंधे की ज़रूरत है। यू आर वेरी गुड, यू प्लेड वेरी वेल, आई होप के आप, मैं यही चाहता हूं कि लास्ट में आप जब ये ट्रॉफी के साथ ही आप आए, तो रश्मि गॉड ब्लेस यू एंड लव यू। सो बिग बॉस देखना आप पसंद करते हो? हाँ अच्छा शो है। सो आपको कौन पसंद आ रहा है इस बार? अरहान, ही इज़ वेरी वेल, वो यू नो ही इज़ डूइंग अमेजिंग, मतलब जिस तरीके से वो खेल रहे, यू नो टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर एंड आई ट्रूली सपोर्ट हिम एंड आई रियली थिंक ही विल विन दिस टाइम। आई थिंक वो यू नो ही इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, ऐसा नहीं है कि वो बन भी रहे या बना भी रहे, यू नो वो हर जगह से ना ही इज बीइंग स्मार्ट अबाउट इट,
So that's very nice. He's very smart about it. तो आप Bigg Boss follow कर रहे हो? इस बार Bigg Boss देख रहे हो आप? Yes, इस बार ही देख रहा हूँ मैं season 13. Because of Rashmi and Arhan. Okay. Full support. I am Arhan and Rashmi and Kesari Lal also. Rashmi का game आपको पसंद आ रहा है? जी, बहुत अच्छा. वो जिस तरह से खेल रही है, जिस तरह से उनकी bonding है पारस के साथ, सभी के साथ अच्छा ही bonding है, but Sidharth Shukla को लेकर problem हमेशा होते ही. Actually क्या Sidharth Shukla है जो हर किसी से कोई भी नया contestant आता है उससे झगड़ा करता है. पुराना आता है उसको उसका काम है सिर्फ झगड़ा करना, कंट्रोवर्सी लेना और अपने आप को फुल सपोर्ट करवाना. मेन जो गेम है जो खेल रही है वो है Rashmi. बेस्ट गेम खेल रही है Rashmi एंड फुल सपोर्ट Rashmi. और सलमान खान जब वीकेंड पे आते हैं तो सलमान खान जब भी बोलते हैं उनके फेवर में बोलते हैं, सिद्धार्थ के फेवर में. आपको ऐसा लगता है कि वो बायस हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है. एक्चुअली देखो, वो सलमान भाई है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. मगर जहाँ तक है कि सलमान अभी ठीक है, मगर आगे जाके ऐसा दोहरा नहीं करेंगे. सलमान सलमान है. ओके, और क्या कुछ बताना चाहेंगे? Rashmi का गेम प्ले पसंद आ रहा है? 101%. तो आपको क्या लगता है कि Rashmi इस बार जीतने वाली है? ट्रॉफी लेके ये बाहर आने वाली है. Rashmi आएगी, ट्रॉफी लेके बाहर आएगी. उनकी बॉन्डिंग पहले से थी अरहान के साथ, तो उनके बारे में क्या बोलना चाहोगे? मैम देखो, ऐसा तो हम लोगों को लगता नहीं है, मगर जिस तरह वो लोग है अभी, देखो आगे चल के क्या होता है. वी आर फुल सपोर्ट Rashmi, अरहान एंड केसरी लाल ऑल्सो. केसरी लाल अभी बहुत स्लो है, मगर वो आदमी वैसा है कि कभी भी उठ सकता है. तो पंगा नहीं लेना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, किसी को पंगा नहीं लेना चाहिए केसरी लाल से. एंड लास्टली आप क्या मैसेज देना चाहोगे आप तीनों को? प्लीज वोट फॉर Rashmi एंड अरहान एंड केसरी लाल. कितना पसंद आ रहा है इस बार का Bigg Boss? इस बार तो बहुत अच्छा लग रहा है. अरहान जी और Rashmi के ऐसे उन दोनों के ऐसे. ओके, वो दोनों आपको पसंद है? यस. उन लोग जो गेम खेल रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है? हाँ, बहुत पसंद आ रहा है. सिद्धार्थ एकदम वीक लग रहे हैं. Rashmi के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? उनका गेम प्ले आपको कितना पसंद आ रहा है? मुझे Rashmi जी के ऐसे देखने मजा आ रहा है, एंटरटेनमेंट हो रहा है. एंटरटेन हो रहे हैं? यस मैम. उनकी बॉन्डिंग जो है अरहान के साथ है, खेसारी लाल यादव के साथ है और भी बहुत लोगों के साथ है, वो कितना पसंद कर रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा हूँ. बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं. सो आप क्या चाहते हैं कि इस बार Rashmi जीते? Rashmi जी जीते. Rashmi जी जीते, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उनको? Rashmi जी को ऑल द बेस्ट कहना चाहेंगे? ऑल. सो जानना चाहूँगी कि इस बार आपको Bigg Boss कितना पसंद आ रहा है? इस बार का Bigg Boss तो बहुत दमदार है और Bigg Boss में मेरे सबसे चहेते हैं Rashmi और अरहान जी. ओके. और सिद्धार्थ शुक्ला भी है, बट वो अग्रेसिव ज़्यादा दिखाते हैं. अगर वो अग्रेसिव कम दिखाए तो वो भी जीत सकते हैं Bigg Boss. वो जिस तरह से Rashmi को टारगेट करते हैं, वो आपको सही लगता है? वो उनका वो पर्सनल मैटर है. अब उनका पर्सनल मैटर वो बाहर सुलझाए, Bigg Boss के घर के अंदर ना पर्सनल मैटर लाए. नहीं नहीं, ये गलत बात है. ये जो एग्रेसिव दिखाते हैं सिद्धार्थ शुक्ला, वो गलत बात है. वो एग्रेसिव में रहेंगे तो Bigg Boss के घर से कभी भी निकल सकते हो. ये सही नहीं है उनके लिए. Rashmi के बारे में क्या बताना चाहेंगे? उनका गेम प्लान कैसा लग रहा है? Rashmi एक सेलिब्रिटी है. Rashmi को मालूम है कि किसके साथ कैसा रहना है. तो Rashmi भी गेम प्लान से चल रही है, तो उनका बिहेवियर जो भी है वो अरहान को पता है ज़्यादा. अरहान उनके साथ में रहे और सिद्धार्थ शुक्ला भी रहे उनके साथ में. तो Rashmi का गेम प्लान यही है कि सबके साथ अच्छे से रहे और Bigg Boss जीते. अरहान जी का तो जो बात करने का स्टाइल, एकदम स्मूथली, स्लोली, पोलाइटली सब लोग से अच्छे से बात कर रहे ताकि कोई उनके साथ एग्रेसिव ना हो. तो अरहान जी की बात करने की स्टाइल बहुत पसंद है मुझे, एकदम पोलाइटली बात. क्या बोलना चाहेंगे? उनका गेम प्लान किसकी? साहिल लाल यादव. केसारी जी. केसारी जी अभी तक वो रोल नहीं दिखा पाए. केसारी जी अगर केसारी जी अपना रोल दिखा दे तो वो भी Bigg Boss के इसमें आगे जा सकते हैं. So, अगर वो बोलना चालू करे तो सब पे भारी पड़ जाएगी. वो अभी बोल नहीं रहे. केसारी जी नहीं बोल रहे और हिमांशी जी नहीं बोल रहे. वो लोग दोनों साइलेंट है अभी. अगर वो लोग भी बोलना चालू करे तो वो लोग भी Bigg Boss के घर में आगे तक जा सकते. So, आप क्या मैसेज देना चाहोगे सबको?
मैं खाली दो ही जन को सपोर्ट करना चाहता हूँ, हाँ। रश्मि जी और आरान जी, वो दोनों फेवरेट है, तो वो दोनों को सपोर्ट कीजिए प्लीज़। ओके, सो आपको क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? आप किसको चाहते हो कि जीते? मैं तो चाहता हूँ रश्मि जीते। सब्सक्राइब टू मिड डे इंडिया, गेट डायरेक्ट नोटिफिकेशंस ऑन ऑल आवर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन।